हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका डी मार्केटिंग वर्ल्ड में। मेरा नाम है अभिषेक। दोस्तों, आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है हाउ डू वी अर्न मनी फ्रॉम डिजिटल मार्केटिंग। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग आता है तो आप डिजिटल मार्केटिंग से कैसे पैसे कमा सकते हैं। ठीक है, ये एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए मैं इस पर एक कंप्लीट वीडियो बना रहा हूँ। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि इससे मेरे आने वाले हर वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेंगे। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। ओके गाइस, तो आज के डेट में अगर मैं बात करूं तो काफी सारे लोग ऐसे हैं जो अपना जो भी काम धंधा है वो छोड़कर डिजिटल मार्केटिंग की तरफ आ रहे हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा है कि डिजिटल मार्केटिंग में अगर वो एंटर कर लेते हैं तो वो बहुत अच्छे से पैसे कमा सकते हैं। लेकिन उनको खुद को भी ये नहीं पता होता कि डिजिटल मार्केटिंग से हम क्या क्या सोर्सेस हैं यहाँ पर पैसे कमाने के। तो गाइस, इस वीडियो में मैं ये चीज डिस्कस करने वाला हूँ। हालांकि ऐसा नहीं है कि ये सुनकर आप सब अपना काम धंधा छोड़कर आप भी डिजिटल मार्केटिंग में आने की कोशिश करो, मेरा ये पर्पज बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आपको लगता है कि आप इसमें कुछ कर पाओगे तो बिल्कुल आपको आना चाहिए, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग में स्कोप काफी ज्यादा है। ठीक है, और कुछ लोगों का ये भी कहना है कि डिजिटल मार्केटिंग का जो स्कोप है वो खत्म हो चुका है, लेकिन उस पर वो ऐसा क्यों कहते हैं, उसका रीजन क्या है, ये सारी चीजों पर एक मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। लेकिन इस वीडियो में हम ये बात करेंगे कि आप डिजिटल मार्केटिंग का यूज करके आप कैसे कमाई कर सकते हैं। ठीक है, तो गाइस अब चलिए स्टार्ट करते हैं अपन। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जब हम डिजिटल मार्केटिंग के फील्ड में आते हैं तो हमारा सबसे बड़ा जो टारगेट रहता है कि वो हमें लगता है कि सब जने जो हमें बोलते हैं कि मैंने डिजिटल मार्केटिंग से इतना कमाया इतना कमाया, और काफी सारे लोग अपना स्टैटिस्टिक्स भी दिखाते हैं, सब अपनी अर्निंग प्रूफ दिखाते हैं। ठीक है, काफी सारी चीजें ऐसी होती है जो देख के हम अट्रैक्ट होते हैं और हम इस फील्ड की तरफ आते हैं। फर्क नहीं पड़ता कि हम अभी तक कोडिंग कर रहे थे, हम जो कुछ भी कर रहे हो, ठीक है, लेकिन हम डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हैं। इसकी सबसे अच्छी बात यही होती है कि डिजिटल मार्केटिंग कोई भी बंदा कर सकता है, फर्क नहीं पड़ता कि आपने कौन सी डिग्री है आपके पास, कोई फर्क मैटर नहीं करता है इस चीज का। आपको थोड़ा बहुत इंग्लिश में आपका थोड़ा सा टच होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आपको बिल्कुल इंग्लिश नहीं आती है और आप डिजिटल मार्केटिंग करने आ रहे हो तो आपके लिए बहुत दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि यार इंग्लिश का बहुत बड़ा फैक्टर होता है यहाँ पर, इंग्लिश बहुत बड़ा रोल प्ले करता है यहाँ पे। अगर आप किसी कीवर्ड पर अपने अपने जो ब्लॉग पोस्ट है उसको रैंक करवाना चाहते हो तो यहाँ पर आपको पूरा ब्लॉग पोस्ट, हालांकि आप दूसरों से लिखवा सकते हो, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत इंग्लिश का यहाँ पर, ऐसा भी नहीं है कि जिसको इंग्लिश नहीं आती तो वो डिजिटल मार्केटिंग नहीं कर सकता, बिल्कुल भी नहीं है। आपको कीवर्ड्स का नॉलेज होना चाहिए तो उस हिसाब से आप कर सकते हो, लेकिन उसमें आपको काफी सारे लोगों की हेल्प की जरूरत पड़ेगी, आप खुद से नहीं कर पाओगे। अगर आपको खुद से करना है तो आपको इंग्लिश में अच्छी खासी पकड़ होनी चाहिए। ठीक है, अगर ये सब कुछ है आपके पास, आपने सीख लिया डिजिटल मार्केटिंग, अब आपका सब कुछ हो चुका है, अब आपको सिर्फ पैसे कमाने के बारे में सोचना है, तब तो हम आगे बढ़ सकते हैं, नहीं तो आपको ये सब चीजें पहले करनी पड़ेगी। ठीक है, अब पैसे कैसे कमा सकते हैं। तो गाइस, कोई भी काम जब हम सीखते हैं तो हमारा सबसे पहला फोकस क्या होता है, हम ज्यादा दिमाग नहीं लगाए, अगर सीधे सीधे अगर हम सोचे कि हमें ये काम आता है तो हम क्या करेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि उस काम से रिलेटेड मार्केट में कौन कौन सी जॉब अपॉर्चुनिटीज हमारे पास है और कहाँ कहाँ वैकेंसीज चल रही है, तो हम डायरेक्टली उधर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और अपना जो भी पोर्टफोलियो होता है, आपका रेज्यूमे है, वो सब लेके जा सकते हो और आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो, और आपने जो अभी तक किया है, आपके जो भी अचीवमेंट्स है, वो आप उस कंपनी को बता सकते हैं, और अगर आप उस कंपनी को आपकी जो भी चीजें वो अच्छी लगती है, जो जो आपने आज तक काम किया है, आपने क्या क्या आउटपुट दिलाया है, ये सब चीजें जब आप उनको देखते हैं तो उनको लगता है कि हाँ ठीक है, या तो इस बंदे में नॉलेज बहुत है या फिर इसका एक्सपीरियंस बहुत है, इन दोनों के बेसिस पे आपको जॉब मिल जाती है, और जितना ज्यादा एक्सपीरियंस होगा उतनी अच्छी सैलरी आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। ठीक है, और रही बात अगर आप फ्रेशर से, आपने अभी भी डिजिटल मार्केटिंग कोर्स किया तो घर हालत बहुत खराब है मार्केट की, तो इस वजह से मैं आपको, ये जॉब वाला काम जो होता है सिंपल जरूर होता है लेकिन यहाँ पर पैसा नहीं होता है। ठीक है, सीधी सी बात है, अगर डिजिटल मार्केटिंग को लेके आपने किसी एक चीज में स्पेशलाइजेशन नहीं किया है ना, तो आपके लिए बहुत दिक्कत है। अगर आपने SEO भी सीख लिया, SEM भी सीख लिया, SMO भी सीख लिया, SMM भी सीख लिया, ईमेल मार्केटिंग भी सीख लिया, एफिलिएट मार्केटिंग सीख लिया, आपने इन्फ्लुएंसर बन गए, तो इन्फ्लुएंसर अलग चीज है, वो एक अलग, उसकी बात हम अलग से करेंगे। ठीक है, इन्फ्लुएंसर एक अलग ही बात होती है। ठीक है, तो अगर ये सारी चीजें आपने सीख ली और फिर भी आप जाते हो किसी कंपनी में अप्लाई करने के लिए, तब भी वो आपको बोलेंगे कि 3 महीने फ्री में कर लो, उसके बाद हम सैलरी देंगे। ठीक है, ये सिचुएशन ऐसी है। अब ये सब क्यों होता है, इस पर मैं अलग से वीडियो में बात करूँ। जैसा कि मैंने शुरू में कहा था कि लोग क्यों कहते हैं कि स्कोप नहीं रहा है डिजिटल मार्केटिंग में, तो वो क्यों है मैं आपको आगे बात करूंगा। ठीक है, तो ऐसे में जॉब की बात यहीं पे खत्म हो जाती है। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो अच्छा खासा पैसा आपको मिलेगा, और अगर नहीं है तो यार बहुत दिक्कत वाली बात है, क्योंकि 3 महीने भी फ्री में काम क्यों करना। ठीक है, क्यों करना 3 महीने फ्री में काम, अपन को कोई फ्री में कुछ देता है क्या, तो अपन किसी को फ्री में कुछ क्यों दे। ठीक है, तो ये एक चीज रहती है यहाँ पर। तो चलिए, अब अगर जॉब नहीं तो फिर क्या। तो गाइस, अब डिजिटल मार्केटिंग को लोग ये चीज लेके चलते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग मतलब वेबसाइट होती है, वेबसाइट को रैंक करवाना होता है। नहीं, एक्चुअल में ये चीजें बहुत ज्यादा सिंपल होती है। सीधी सी बात ये कि आपका कोई भी बिजनेस है, ठीक है, कोई भी बिजनेस, फर्क नहीं पड़ता उसका। मान लो कि आप जलेबी भी अगर बेचते हो,
ठीक है, तब आप जलेबी की दुकान के लिए भी आप जो है वो डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हो। हालांकि उसकी जरूरत नहीं पड़ती है, उसके स्मेल से ही लोग आ जाते हैं, ठीक है, वही अपना खुद का मार्केटिंग कर लेता है। लेकिन बात ऐसी नहीं होती, बात ये है कि यार आप कोई भी, आपकी कोई भी दुकान है तो आप उसका डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हो। आप उसके लिए चाहो तो वेबसाइट बना सकते हो, चाहो तो वेबसाइट मत बनाओ। बिना वेबसाइट के आप फेसबुक पेज से भी आप अपने डिजिटल मार्केटिंग का काम कर सकते हो, ठीक है। और काफी सारी ऐसी चीजें होती है, जैसे मान लो कि आप कोई सेल लगा रहे हो और वो सेल सिर्फ 3 दिन के लिए। अब 3 दिन के सेल के लिए तो वेबसाइट बनाने से रहे, ठीक है, तो ऐसे केस में आपको डायरेक्ट फेसबुक पेज या फिर कोई एक सिंपल सा वन पेज वेबसाइट या फिर आपको डायरेक्टली कोई डिस्प्ले एड्स वगैरह चलाने पड़ेंगे, ठीक है। ऐसे केस में आप वहां पर ये नहीं सोच सकते कि आप वेबसाइट बनाओगे, एसईओ करोगे, नहीं, इसका टाइम नहीं होता है, ठीक है। तो ऐसे में वेबसाइट्स की रिक्वायरमेंट हर जगह नहीं होती है। लॉन्ग टर्म बिजनेस जब हम करते हैं तो हमें वेबसाइट की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। तो अब सबसे पहली बात, आप अपना एक बिजनेस चला सकते हो और बिजनेस की डिजिटल मार्केटिंग करो और बिजनेस के थ्रू आप अर्निंग कर सकते हो। ये आपका पहला ऑप्शन रहता है, क्योंकि काफी सारे लोग बिजनेस ऑलरेडी कर रहे होते हैं, उनको बस सिर्फ इस डिजिटल मार्केटिंग फील्ड में आना होता है ताकि ज्यादा से ज्यादा और भी अर्निंग हम बढ़ा सके। अब इसके अलावा डिजिटल मार्केटिंग अगर आपको आता है तो आप क्या कर सकते हो, आप एक ब्लॉग क्रिएट कर सकते हो, ठीक है, एक ब्लॉग बना सकते हो और उस ब्लॉग पोस्ट आप रेगुलरली उसमें ब्लॉग पोस्ट डालो और उस ब्लॉग पोस्ट के थ्रू आपको काफी तरह की अर्निंग होती है। एक तो आप गूगल एडसेंस, सबको पता ही है गूगल एडसेंस के थ्रू तो अर्निंग होती ही होती है। इसके अलावा आपको स्पॉन्सरशिप मिल सकती है, आप एफिलिएट मार्केटिंग का यूज कर सकते हो, आप अपने खुद के डिजिटल प्रोडक्ट्स वहां पर सेल कर सकते हो, ठीक है, जो डाउनलोडेबल होते हैं वो आपको उससे पेमेंट करेंगे और उसके बाद आप उसको उनको डाउनलोड का ऑप्शन दे सकते हो, ठीक है। ऐसे काफी सारे ऑप्शंस यहाँ पर होते हैं। और स्पॉन्सरशिप जो होती है वो आपको जो भी नीश रहता है उस हिसाब से आपको स्पॉन्सरशिप मिल जाते हैं। और अफिलिएट मार्केटिंग, हमेशा नीश सेलेक्ट करते टाइम एक बात ध्यान रखना कि उसमें कोई प्रोडक्ट जरूर हो, ठीक है, अगर प्रोडक्ट नहीं है तब तो बहुत दिक्कत वाली बात है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, तो आपको देखना है कि कौन से प्रोडक्ट है मेरे नीश में, तो उस प्रोडक्ट के हिसाब से आप डिजिटल मार्केटिंग, एक ब्लॉग स्टार्ट करो और उसमें आप अफिलिएट लिंक्स लगाओ, उसके थ्रू आपकी जो भी सेल्स होगी तो उसके पैसे भी आपको अलग से मिलेंगे, ठीक है। ये ऑप्शन रहता है ब्लॉगिंग में। यूट्यूबिंग तो है ही है, जो मैं भी कर रहा हूँ, ठीक है। तो अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग आता है तो आप अपने वीडियोस को रैंक करवा सकते हो, काफी सारे ऑप्शंस आपके पास ये अलग भी रहते हैं, ठीक है। लेकिन यूट्यूब की अगर हम बात करें ना, यहाँ पर एसईओ वगैरह का ज्यादा वो मैटर करता नहीं, यहाँ पर टोटली मैटर करता है आपका टाइटल और आपकी वीडियो का कॉन्टेंट। अगर वीडियो को अच्छा लोग पसंद करते हैं तो आपके वीडियोज रैंक होंगे, ठीक है। अब टाइटल वगैरह लिखने के लिए आपको थोड़ा बहुत डिजिटल मार्केटिंग आनी चाहिए, कुल मिलाकर डिजिटल मार्केटिंग नहीं, आपको एसईओ आना चाहिए, ठीक है। अगर एसईओ आपको आता है तो आप प्रॉपर टाइटल, डिस्क्रिप्शन, टैग्स वगैरह डाल सकते हैं। हालांकि आज के डेट में लोग ये भी कह रहे हैं कि यूट्यूब में एसईओ खत्म हो चुका है, लेकिन नहीं है गाइस, टैग्स है अभी भी, टैग्स काम करते हैं, डिस्क्रिप्शन भी अभी भी काम करते हैं। अगर नहीं करता होता तो डिस्क्रिप्शन और टैग्स का ऑप्शन जो है वो यूट्यूब देता ही नहीं, ठीक है। हाँ, हालांकि इसके अलावा और भी काफी सारी चीजें आई है तो उन पर मैं एक अलग से वीडियो जरूर बनाऊंगा, ठीक है। तो अब डिजिटल मार्केटिंग के और क्या क्या स्कोप रहते हैं, मैं हम आगे बात करते हैं। तो गाइस, आप डिजिटल मार्केटिंग का क्या होता है कि अब ये यहां पर आप डिजिटल मार्केटिंग खुद के लिए भी कर सकते हो, यहां पर आप डिजिटल मार्केटिंग दूसरों के लिए भी कर सकते हो। अब दूसरों का करने का मतलब ये नहीं है कि आप जाके जॉब कर रहे हो, आप फ्रीलांसिंग भी कर सकते हो। यहाँ पे आप घर पे बैठे बैठे आप प्रोजेक्ट्स उठा सकते हो और उस प्रोजेक्ट के लिए उनको अपने कीवर्ड्स, जो भी कीवर्ड्स वो कहते हैं, उन पर आप अपने वीडियोस को रैंक करवा सकते हो, ठीक है। अब जैसे कि मान लीजिए कोई भी कंपनी है, मान लो कि यूएस की कंपनी है या फिर यूके की कंपनी है या फिर मान लो इंडिया की कंपनी हुई, ठीक है, तो ऐसे में क्या होगा कि आप जा सकते हो फाइबर या फ्रीलांसर की वेबसाइट या फिर अपवर्क में जा सकते हो और वहां पर आप डिजिटल मार्केटिंग का काम ढूंढ सकते हो। जैसे आपको काम मिल जाता है, आप बिडिंग करोगे, आपको गिग्स बनाने पड़ेंगे, ठीक है, ये सारी चीजें करनी पड़ती है आपको। और उसके बाद जैसे ही आपको कोई काम मिल जाता है तो वो लोग आपको कुछ कीवर्ड्स देते हैं, आप उस कीवर्ड्स पे उनकी वेबसाइट को रैंक करवाओ और उसके लिए वो आपको पे करेंगे। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आपको जॉब के लिए अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, आपको 9 से 6 बैठने की जरूरत नहीं है, आप अपने कंफर्ट जोन में बैठे बैठे ये काम कर सकते हो, ठीक है। अब आपको यहां पर किसी के बंदिशों में रहने की जरूरत नहीं है और जितना पैसा मिलता है वो पूरा पैसा आपको मिलेगा। ऐसा नहीं कि कंपनी ने 1 लाख रुपए कमाए और आपको 10 हजार रुपए दिए, ठीक है, तो यहां पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। अगर आप 1 लाख रुपए कमाते हो तो पूरा का पूरा वो आपका ही होगा, अंटिल और अनलेस आप अपने काम को डिवीजन में बांट नहीं रखा हो, आपने अपने काम अलग अलग लोगों को अगर डिवाइड नहीं कर रखा होगा तब तो आपको पूरा का पूरा पैसा मिलेगा, ठीक है। और अगर आपने डिवाइड कर भी रखा होगा तो दूसरों को कितना पैसा देना है ये आप डिसाइड करोगे, तो ये एक बहुत अच्छी बात रहती है फ्रीलांसिंग में। तो गाइस ये चीज आप कर सकते हो। इसके बाद
ऑप्शंस तो और भी है, लेकिन यहाँ पर ये जो चीज होती है ना, ये मेन चीज होती है जहां से आप अर्निंग कर सकते हो डिजिटल मार्केटिंग का। बाकी अगर डिजिटल मार्केटिंग हम बात करें तो यार ऑप्शंस बहुत ज्यादा होते हैं डिजिटल मार्केटिंग में, ठीक है, लेकिन वो ऐसा नहीं है कि उससे सिर्फ उन ऑप्शन से आपका काम नहीं बनेगा। अगर आप ब्लॉगिंग करते हो तो आप सिर्फ ब्लॉगिंग से पैसे कमा सकते हो, आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर आप यूट्यूबिंग करते हो तो आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर आप फ्रीलांसिंग करते हो तो आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर आप जॉब करते हो तो आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, या फिर अगर आपका खुद का बिजनेस है और आप उसके लिए मार्केटिंग करते हो तो आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन इसके अलावा जो चीजें हैं ना डिजिटल मार्केटिंग में, वो सब अगर आप करते हो तो आपको साथ में इनमें से कोई भी एक लेके चलना पड़ेगा। तो कुल मिला के बात ये है कि ये जो चीजें मैंने यहाँ पे आपको बताया, इन सब चीजों के थ्रू एक्चुअल में अर्निंग होती है। बाकी सारी जो चीजें होती है डिजिटल मार्केटिंग में, जो चीजें आती है वहां से आपको इतनी ज्यादा अर्निंग नहीं होती है। हालांकि अगर हम बात करें तो सिर्फ और सिर्फ अगर अफिलियट मार्केटिंग को लेके चलते हो ना आप, बाकी किसी भी चीज को अगर आप नहीं गिनो, तो सिर्फ और सिर्फ अफिलियट मार्केटिंग से आप इन सभी चीजों से ज्यादा पैसा कमा सकते हो, ठीक है। वो अब एक अलग बात है कि आप एफिलिएट मार्केटिंग कैसे करते हो ये आप पे डिपेंड करता है। आप चाहे ब्लॉग से कर सकते हो, आप चाहे तो यहाँ पर अपना यूट्यूब चैनल से कर सकते हो, आप अपने फेसबुक पेज से कर सकते हो। अब इसमें फेसबुक पेज से अगर आप करते हो तो आपको यहाँ पे पेड मार्केटिंग कर सकते हो, आप उसके थ्रू आप कर सकते हो। ऐसे में आपको ना तो यूट्यूब चैनल बनाना पड़ेगा ना तो आपको ब्लॉग बनाना पड़ेगा। फेसबुक पे एक पेज बनाओ, सीधे आप अपना जो भी प्रोडक्ट सेल करना चाहते हो उस प्रोडक्ट वहां पर आपको पोस्ट डालने हैं और उसके बाद उसको आपको सीधे ऐड चलाना है। चीजें बहुत ज्यादा सिंपल होती है, ठीक है, बस अब ये चीजों को करने वाला चाहिए, इसमें डेडिकेटेडली बैठ के इन सब चीजों को करने वाला चाहिए। पैसा बहुत है इस फील्ड में, लेकिन एक्चुअल में लोगों को पता नहीं होता है कि हम क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है, ये दिक्कत है। अब अगर आप ये सब वीडियो दे अब आपने अभी तक इस वीडियो को अभी तक देख लिया है तो मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपको यूट्यूब चैनल क्रिएट करना है तो कैसे करते हैं। इन सभी पर वीडियो मैंने बना रखे हैं। अगर आपको ब्लॉगिंग के लिए नीश का समझ में नहीं आ रहा है, ब्लॉग नीश कैसे सेलेक्ट करते हैं, उस पर मैंने वीडियो बना रखा है। सब कुछ आपको अपने चैनल पे बराबर मिल जाएगा, तो आप जाके देख सकते हो। यहां तक कि आपको वेबसाइट की शुरुआती काम क्या करना, मतलब वेबसाइट कैसे स्टार्ट करते हैं, ये सारी चीजें भी मैंने आपको बता रखा है। डोमेन होस्टिंग कैसे परचेस करते हैं ये भी बताया। रिसेंटली मैंने डोमेन पर दो वीडियोस अपलोड किए, होस्टिंग पे मैंने बहुत सारे वीडियोस अपलोड कर रखे हैं। तो आपको सारी चीजों की हेल्प अपने ही चैनल पे मिल जाएगी। तो बस आपको थोड़ा सा टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा, आपको चीजें देखनी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी इन सब चीजों को, फिर ही अगर आप इस फील्ड में आओ तो मतलब है। बाकी तो यार मैं ये नहीं कहूंगा कि डिजिटल मार्केटिंग के बारे में किसी ने कुछ बोला और आप कूद गए डिजिटल मार्केटिंग में। इतना इजी भी नहीं है डिजिटल मार्केटिंग करना। अगर ऐसा होता तो सबके सब कर लेते और सबके सब सक्सेसफुल भी होते। आज के डेट में बहुत कम डिजिटल मार्केटर्स का नाम ऐसा सामने आता है जो कि काफी ज्यादा सक्सेसफुल है, ठीक है। बाकी लोग तो अपना काम कर लेते, अपना गुजारा कर लेते, जिनको अगर डिजिटल मार्केटिंग आता है वो लोग बैठे बैठे अपने घर बैठे बैठे महीने के 1-2 लाख रुपए तक कमा लेते, तो उनके लिए सफिशियंट होता है, ठीक है। ऐसे भी डिजिटल मार्केटिंग है इस वर्ल्ड में जो दिन के 2 लाख 5 लाख रुपए कमाते हैं, 10 लाख रुपए कमाते हैं, ठीक है। ऐसे भी डिजिटल मार्केटर्स है, तो उन लोगों का नाम हम जानते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि ब्रायन डीन हुए, नेल पटेल हुए, तो ये ऐसे डिजिटल मार्केटर्स हैं जिनके बारे में हम पूरी दुनिया जानती है। ये एक तरह से डिजिटल मार्केटिंग के हम यूँ कह सकते हैं कि भगवान है, इनसे ऊपर कोई है नहीं, ठीक है। तो इन सब चीज इन लोगों को फॉलो करो, इनके जो ब्लॉग्स है, इनके जो यूट्यूब चैनल है, इन सब चीजों का फॉलो करो, काफी सारी चीजें सीखने को मिलती है। हालांकि ये बात जरूर है कि आपको बेसिक से इनके चैनल पर कुछ भी सीखने को नहीं मिलेगा। अगर आप इनके चैनल पर बेसिक सीखने जाते हो तो मैं तो कहता हूँ मत जाओ, कोई मतलब नहीं है। अगर आपको बेसिक्स आते हैं, अब आप और एडवांस लेवल पर जाना चाहते हो, ठीक है, आपको टेक्निकली ये कुछ भी नहीं सिखाते, ये सिर्फ आपको सिखाते हैं कि जो कुछ आपको आता है उसको आप और इम्प्रूव कैसे कर सकते हो। ये लोग सिर्फ वो चीज सिखाते हैं, ये आपको बेसिक्स नहीं सिखाने बैठेंगे। तो बेसिक्स वगैरह आपको सीखना है तो अपने चैनल पे वगैरह सीखने को मिल जाएगा आपको, और भी काफी सारे चैनल आपको मिल जाएंगे जहां पर आप सीख सकते हो, या फिर इसके अलावा आप कोर्सेज वगैरह परचेस कर सकते हो। लेकिन वो करने से पहले मेरा पिछला वीडियो जरूर देख लेना, क्योंकि वहां पर मैंने ये चीज बताया है कि डिजिटल मार्केटिंग सीखना कैसे है, ठीक है गाइस। तो वो देखे बिना आप कोई भी कोर्सेज परचेज करने के बारे में सोचना भी मत, क्योंकि बहुत सारे लोग गलती कर रहे हैं, 100, 200, 300 भी हो लेकिन वेस्ट हो रहे हैं, और इसके चक्कर में कोई तीसरा बंदा जो फ्रॉड होता है, जो डिजिटल मार्केटिंग कोर्स बेच रहा है 200, 300 में, वो करोड़ों छाप रहा है, ठीक है। हमें उसको करोड़ों छापने से रोकना है, क्योंकि ऐसे लोग डिजिटल मार्केटिंग के इस फील्ड को खराब कर रहे हैं, ठीक है। तो ये चीजों का ध्यान हमें रखना है और हमें आगे बढ़ते रहना है। डिजिटल मार्केटिंग बहुत अच्छी मतलब स्कोप है यहाँ पर, और कमियां क्या है इस पर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, तो वो देखने के बाद आप समझ जाओगे कि क्यों कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग में कुछ नहीं रखा है, ठीक है। तो आप फिलहाल अगर आप डिजिटल मार्केटिंग में आ चुके हो तो अब आप बाकी चीजों को मत सुनो, आप आगे बढ़ते रहो। और जो लोग नहीं आए हैं आप मेरा अगला वीडियो भी देख लेना, जिसमें बात बताऊंगा कि डिजिटल मार्केटिंग में क्या खामियां हैं, क्यों लोग ऐसा कहते हैं, ठीक है गाइस। तो उम्मीद है कि आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होगी, और अगर आपको अच्छा लगे वीडियो तो यार लाइक जरूर कर देना, इससे मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलती है। बाकी कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं।
दोस्तों उम्मीद है वीडियो को पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि इससे मेरे आने वाले हर वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।